हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया मैंने जो वादा किया था पिछले वीडियो में वो निभाने के लिए आ गया हूँ। क्या वादा किया था भैया कि आखिरकार ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड में क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो देखा जाए तो इनका फर्क है, इनका जो डिफरेंस है, लेकिन ये इनका जो डिफरेंस है ये कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये आज भैया इस वीडियो के जरिए आपको समझ में आने वाला है। और भैया ये समझाने के लिए, डिफरेंस बताने के लिए आपके सामने भैया इंस्ट्रक्शन के एग्जाम्पल और विजुअलाइजेशन के साथ सारी तमाम इंतजाम जो है मैं कर चुका हूं। तो चलो ये शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सबसे पहले भैया तो इनका नेचर ही कैसा, देखो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या हो रहा था, नेचर क्या था कि डायरेक्टली भैया जो आपका एड्रेस था, मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस था वो डायरेक्टली भैया इंस्ट्रक्शन में मेंशन कर दिया था, ऐसा सीधा सीधा खाने वाला कार्यक्रम था, ठीक है कि नहीं। लेकिन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या है कि भैया जो आपका एड्रेस है मेमोरी लोकेशन का वो कहां डाल दिया गया था, रजिस्टर में था, इंस्ट्रक्शन में नहीं, रजिस्टर में था, और रजिस्टर भी भैया मेंशन कर दिया गया था आपके इंस्ट्रक्शन में, मतलब इस तरीके से खाने वाला कार्यक्रम था। ऐसे एक है और ऐसे एक है, ये फंडामेंटल डिफरेंस है जो आपको समझना है, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन फिर एक और फिर दिमाग में सवाल आता है कि व्हाई दिस तरीका इज मोर प्रेफर्ड। खाएंगे तो अपन ऐसे ही ना, व्हाई दिस तरीका इज मोर प्रेफर्ड, इतना पॉपुलर क्यों, इतना ज्यादा प्रोग्रामिंग में इसे यूज किया क्यों किया जाता है भैया इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को, कुछ तो एडवांटेज होगा। चलो वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं। सिंपल सा फंडा है, देखो यहां पे जो अपन यहां से शुरुआत करते हैं, बेसिक इंस्ट्रक्शन LDA 1000H भैया एड्रेस सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन में मेंशन कर दिया गया है, तो ये कौन सा मोड है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और मेमोरी भी भैया अपनी यहाँ पे तैयार है, उसके एड्रेसेस भी हर लोकेशन के मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। LDA क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भैया जो भी यहाँ मिल जाएगा इस पते पे, इस एड्रेस पे जो मिल जाएगा उसको उठा लो, उसको फेच करो और सीधा सीधा किसको दे दो, लोड करो किसमें, एक्यूमुलेटर में लोड करो। बात सिंपल है, ज्यादा कुछ अटपटी बात नहीं है, सीधी सीधी बात है, ऐसी ऐसी वाली बात है, ठीक है, खाने वाली सीधी सीधी बात है, कोई इनडायरेक्ट बात नहीं, डायरेक्ट बात है। लेकिन डायरेक्ट बात के चक्कर में आप एक यहां पे चीज भूल रहे हो या चीज नोटिस नहीं कर रहे हो, वो ये है कि कहीं ना कहीं आपको इस इंस्ट्रक्शन में फिक्स्ड नेचर दिख रहा है। यानी कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक या दो ऐसे मिनिमम से मिनिमम लोकेशंस को एक्सेस करना है, बराबर है, उनके साथ डील करना है, उनको हैंडल करना है, तो फिर उस केस में डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज द बेस्ट ऑप्शन, बराबर है। यानी जैसे कि अभी आपने 1000H दे दिया, मान लो 1000H के साथ साथ आपको 1001H 1002H, मतलब इतनी ही जरूरत है, इतनी ही रिक्वायरमेंट है आपको, मतलब एक दो मेमोरी लोकेशंस को ही आपको एक्सेस करना है, तो उस केस में ये जो फिक्स्ड नेचर है ना, जहां पे एड्रेस फिक्स्ड है आपका, यहां पे आप देख सकते हो इस इंस्ट्रक्शन में, तो ये फिक्स्ड नेचर, ये डायरेक्ट नेचर जो है ये आपके काम आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये काम आ सकता है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन 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 गौर से सुनिए, अगर मुझे सीक्वेंस ऑफ मेमोरी लोकेशन से डील करना होगा, यानी कि अब ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस से अगर मुझे डील करना होगा, तब आप क्या करोगे, अगर सीरीज ऑफ एड्रेसेस को मुझे कंसीडर करना होगा तो आप क्या करोगे, तो क्या आप ऐसे लिखते बैठोगे LDA पहले 1000 फिर 1001 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे लिखते बैठोगे आप? इज दिस अ गुड वे और दिस इज अ प्रैक्टिकल वे? क्या ये एक तरीके से और देखा जाए क्या ये एफिशिएंट तरीका है? ऐसा तो नहीं होता भैया प्रोग्रामिंग में। सही बात है, अपने को प्रोग्रामिंग में ऑप्टिमाइजेशन की तरफ भागना होता है, एफिशिएंसी की तरफ भागना होता है, कोड को छोटे से छोटा रखना होता है। सही बात है, तो आप लंबा करने की कोशिश कर रहे हो कोड को बहुत ज्यादा, है कि नहीं? क्योंकि आप एक दो से डील करोगे तो मैं एक दो जगह पे ये लिख सकता हूं, देयर इज नो प्रॉब्लम, मैं 1000 लिख सकता हूं, 1001 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, एक दो मेमोरी लोकेशन है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बढ़िया है। लेकिन जब भैया यहां पे सीरीज ऑफ एड्रेसेस को एक्सेस करने की बात आती है, उनके अंदर के डेटा को सीरीज में लाइक एक्सेस करने की बात आती है, फेच करने की बात आती है, तो उस केस में भैया इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आपकी मदद करता है। कैसे करता है मैं आपको बता रहा हूं। चलो समझते हैं भैया, ये इंस्ट्रक्शन आपके सामने है, आप देख सकते हो LDAXD, ये क्या है, ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, X है मतलब ये D नहीं है, ये सिंगल नहीं, ये रिलेशनशिप में, ये पेयर में है, यानी कि DE है, ये DE का बॉन्ड आपको यहां पे दिखाया जा रहा है। तो चलो DE है तो DE के अंदर क्या होगा, कुछ तो एड्रेस होगा, उस एड्रेस लोकेशन पे क्या होगा भैया, आपका डेटा होगा, वो डेटा का करना क्या, आपको लोड करना है, कहां करना भैया, एक्यूमुलेटर में करना, बस यही तो ये इंस्ट्रक्शन कहने का प्रयास कर रहा है, यही वो कह रहा है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। चलो ये तो उसने बोल दिया, अब ये अपन ने कर भी दिया, ओके। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। लेकिन 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 इसमें जो अपन फिक्स नेचर देख रहे थे कि भैया अपन एक दो मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करना था तो इसका डायरेक्ट का बिहेवियर जो यूज कर सकते थे, लेकिन अगर सीरीज एक्सेस करनी है तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल मामला है। यहां पे भैया सबसे पहली बात तो एक याद रखनी है कि जो भी एड्रेस है वो इनिशियली हमें शुरुआती तौर पे DE में डालना पड़ेगा, जो एड्रेस है ना वो इनिशियलाइज करना पड़ेगा DE में। तो वो कैसे कर सकते हैं, सिंपल यार, LXID, 1000
एच, ये क्या मतलब बताता है भैया कि इनिशियली हमने क्या किया है, एक्स मतलब क्या पेयर में है, सिंगल नहीं है, यानी कि जो डीई पेयर है उसमें हमने ये 16 बिट का जो एड्रेस है वो डाल दिया है, वो विराजमान वहां पे डीई में कर रहा है। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, आफ्टर दैट व्हाट वी डू कि भैया डीई के अंदर क्या है, हमने पहले 1000H यानी कि वो जो 16 बिट एड्रेस है वो डाला हुआ है। अब वो जहां पे है उसके लोकेशन के अंदर जो डेटा है वो भैया एक्यूमुलेटर में डाल दो। सिंपल सी बात है, यानी कि यहां तक 1000H का जो मामला है वो हमने कंप्लीट कर दिया, यानी कि जहां पे एक स्टेटमेंट से काम हो रहा था यहां पे हमने उसके लिए दो स्टेटमेंट यूज किए। रिमेंबर दिस थिंग, जहां पे एक मेमोरी लोकेशन के लिए एक स्टेटमेंट से काम आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग में हो रहा था, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में उसके लिए दो स्टेटमेंट आपको लग रहे हैं। इतना बात क्लियर है, लेकिन इसका फायदा भी आगे आपको दिखने वाला है। अपन आगे क्या कर देते हैं पता, एक बहुत मैजिकल स्टेप अपन करने वाले हैं। INXD कर दिया भाई मैंने, ये क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, क्या कर दिया, एक्स यानी डीई, मतलब भैया उसको मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं, यानी कि वो अब एक मेमोरी लोकेशन 1000 से अब वो 1001 पे चला गया है। अब बात समझ में आ रहे हो, अब इसी बिहेवियर को भैया मैं लूप में डाल सकता हूं कुछ इस तरीके से, आप इसको विजुलाइज कीजिए। तो होगा क्या, व्हाट विल हैपन कि इनिशियलाइज पहले डीई को मैंने 1000H से कर दिया, उसके बाद भैया उसके अंदर जो 1000H पे जो भी डेटा था वो मैंने उठा के भैया एक्यूमुलेटर में डाल दिया। अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे अगला डेटा चाहिए, अगले एड्रेस का डेटा चाहिए, तो मैं बढ़ सकता हूं आगे, मैं सीधा सीधा इंक्रीमेंट कर सकता हूं। तो यहां पे सिंपल भाषा में देखा जाए तो हो क्या रहा भैया, इनिशियलाइज अपन ने 1000 इस एड्रेस से किया, इसके अंदर जो भी था वो लोड कर दिया एक्यूमुलेटर के अंदर, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट किया डीई के कंटेंट को, तो वो कैसा हो गया भैया, वो क्या हो गया, 1001 हो गया। अब फिर से वो लूप में ऊपर गया और अपन देखते हैं उसको वापस से लोड कर दिया इनटू एक्यूमुलेटर, जो भी इस रिस्पेक्टिव पते पे मौजूद होगा डेटा, सही बात है, उसके बाद वापस से इंक्रीमेंट हुआ, तो इंक्रीमेंट क्या हुआ, 1002 हो गया। इसी तरीके से चलता रहेगा, लोड होता रहेगा, 1003 हो गया। इसी तरीके से चलता रहेगा, लोड होता रहेगा, 1004 हो गया, फिर 5 हो गया, बराबर 6 हो गया। इस तरीके से कार्यक्रम चलता रहेगा आपके लूप में। तो अगर सिंपल से गौर से अगर देखा जाए तो ये जो भैया एड्रेसेस हैं, ये जो सीरीज ऑफ एड्रेसेस को एक्सेस करने वाला मामला है, ये करने के लिए आपको इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में खाली भैया 3 इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ी, खाली 3 इंस्ट्रक्शंस की जरूरत, ओनली एंड ओनली 3 इंस्ट्रक्शंस। लेकिन अगर यही कार्यक्रम इतने ही ब्लॉक्स, इतने ही मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए आपको डायरेक्ट एड्रेसिंग में कितने इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती, 1 2 3 4 5 6 7, सही बात है, मैं तो सिर्फ इतनी ही बोल रहा हूं, एक्चुअल में तो बहुत ज्यादा लोकेशंस होते हैं, जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता है जो हमें एक्सेस करना होता है, जो सीरीज ऑफ एड्रेस होता है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो भैया वहां तो ये बहुत ही छोटा एग्जांपल, लेकिन एक्चुअल में बड़े बड़े एग्जांपल होते हैं, तो उस वक्त भैया आप यहां पर इंस्ट्रक्शन एक फिक्स एड्रेस मेंशन करते चलोगे तो दैट इज नॉट अ स्मार्ट और ऑप्टिमाइज्ड प्रोग्रामिंग, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ स्मार्ट एंड ऑप्टिमाइज्ड इफिशियंट प्रोग्रामिंग जो अपने को इस्तेमाल करनी होती है। एक और बात अगर मैं बताऊं तो अगर आप चलो ऐसे एक 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 एड्रेस के थ्रू चले भी गए, लेकिन एक और चीज उसमें आ जाती है, वो ये है साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन। गौर से देखोगे भैया ये कितना है, कितना है ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में 3 byte, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो यहां पे आपका जो कोर पार्ट है 1 byte का और यहां पे आपका 16 byte जो है भैया एड्रेस है, 16 bit एड्रेस है, तो एड्रेस तो 16 bit का, यानी कि आपके 2 byte, तो 1 byte + 2 byte 3 byte का यहां पे तो भैया आपका एक इंस्ट्रक्शन बन रहा है, और उसी को अगर इसी बिहेवियर को इतना रिपीट करोगे तो 3 byte भैया कितना हो जाएगा वो, तो साइज के हिसाब से भी सही नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, ऑप्टिमाइज्ड तो कतई कतई नहीं है, और देखने में भी भैया सही नहीं लग रहा, और ये कोड भैया इस तरीके से नहीं लिखा जाता, वो इस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है जब हमें ऐसा ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो है, लोकेशंस जो है, सीरीज ऑफ एड्रेसेस जो हैं, जब उसे अपने को एक्सेस करना होगा, उसका काम जब अपने को पड़ेगा, तो इस तरीके से कार्यक्रम जो है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का इस्तेमाल किया जाता है। आप बात समझ पा रहे हो, बड़ा सिंपल है, यहां पे गौर से देखोगे तो बस ये जो इनिशियलाइजेशन वाली स्टेप है ना, ये अपने को यहां पे लगती है, ये जरूरी है, और ये क्या भैया इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की यहां पे शुरुआत में अपन मदद लेते हैं। लेकिन अगर इसके बाद देखोगे जो भी इंस्ट्रक्शंस यहां पे शामिल होने वाले हैं वो बड़े सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी साइज भी इतनी बड़ी नहीं जितनी भैया आपको यहां पे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के इंस्ट्रक्शंस की साइज देखने को मिल रही थी। तो ओवरऑल आपको सारे एडवांटेजेस समझ में आ गए कि किस तरीके से इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भले ही खाने का तरीका ऐसा हो लेकिन फायदेमंद है। कैसे फायदेमंद है, वो सारे फायदे मैंने आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।